हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमारे पास एट दी रेट दिया गया है उसकी जगह हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास जो डिजिट है वो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ जाए, माने कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो इसके लिए जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास पहले एट दी रेट प्लस 1 एट दी रेट, हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमारे पास ये सारी की सारी जो उसका सम होगा वो इक्वल होगा हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देख लेते हैं, पहली जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 2। तो हम पहले 2 को देख लेते हैं यहाँ पे पुट करके। तो हम एट दी रेट की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 और प्लस का साइन और 1, और हम ये एट दी रेट की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 प्लस, अब हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे एट दी रेट की जगह हम लिखेंगे 2 और प्लस, यहाँ पे डबल एट दी रेट है तो यहाँ पे हमें 2 टाइम 2 आएगा, और हमारे पास यहाँ पे आगे एट दी रेट 2 1। अब हमें इन सबका सम करना है और देखना है कि इनका सम कितना होता है। 2 प्लस 12 होता है हमारे पास 14, और हमारे पास अब इसके बाद हम इन दोनों का सम करेंगे वो होता है हमारे पास 74। यहाँ पे हमारे पास सम हो गया 74, और हम 74 में प्लस करेंगे 21 को तो हमारे पास आएगा 95, और अब 95 में हम प्लस करेंगे 14 जो इसका सम था। तो अब करेंगे हम 95 प्लस 14, तो हमारे पास होता है ये होगा हमारे पास 109। अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पुट करेंगे 122 तो ये हमारे पास क्या हो गया 122, और इस साइड हो गया हमारे पास कसम 109। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 3 को चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3, और यहाँ पे हम नेक्स्ट पुट हमारे पास 1 प्लस 3, और यहाँ पे 5 प्लस 5 3, और यहाँ पे हमारे पास 3 3 प्लस 3 1। अब हम इन सबका सम करेंगे। पहले हम इन दोनों का सम देख लेते हैं, होता है हमारे पास 16, और फिर हमारे पास 16 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 53, ये होगा हमारे पास 69। हमारे पास सम हो गया है 69। अब हम यहाँ पे 69 हो चुका है हमारे पास सम, तो अब हम प्लस करेंगे 33, और इसमें फिर क्या प्लस कर, सॉरी हम इसकी फिर से सम कर लेते हैं। पहले इन दोनों का सम कितना होता है 16, और अब हम 16 में प्लस करेंगे 53। 16 प्लस 53 हमारे पास होता है 69। अब 69 में हमें प्लस क्या करना है, यहाँ पे 33 की वैल्यू 69 प्लस 33 तो हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास 102। अब हम 102 में प्लस क्या करना है 31, तो हम करेंगे 102 में प्लस 31 तो ये होता है हमारे पास 133। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसका सम है हमारे पास 133, और हमें राइट साइड में क्या पुट करना है 1 और एट दी रेट की जगह 33। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन बी 3 होगा। इस तरह से क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो हमारे पास कोई भी साइन दिया होगा उस साइन की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि दोनों वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 स्टिक्स दी गई हैं, पहली स्टिक 7.5 फीट और दूसरी स्टिक 3.25 फीट। हमें बताना है कि जो हमारे हमको इसकी मिनिमम जो लेंथ है उसे हमें मेजर करना है। पहले हम देख लेते हैं, जो हमारे पास पहली स्टिक है वो है हमारे पास 7.5 फिट, और दूसरी जो स्टिक है उसकी लेंथ है 3.25 स्टिक। इस तरह से हमने दोनों स्टिक लिख ली है। अब हम जो छोटी वाली स्टिक है उसे अगर उसका अगर हम डबल करते हैं तो कितना आता है, उसका जो डबल करते हैं वह आता है हमारे पास 6.50। ये हमारे पास 6.50 छोटी वाली स्टिक का डबल आ चुका है। अब हमें 6 जो 7.5 है उससे हमें 6.5 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद कितना आ जाता है हमारे पास 1 फिट आ जाता है हमारे पास। अब जो हमारे पास 1 फिट आ गया है इसका और इस दोनों का डबल करके जो हमारे पास 1 फिट आ गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा।
इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें मिनिमम जो लेंथ है उसे कितना मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास ये है हमारे पास 1-1 की 3 स्टिक और ये हमारे पास 3.5 की 1 स्टिक। अगर हम 1-1 की 3 स्टिक से इसे कैंसिल करें तो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 3.25 माइनस 3 होगा। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.5 आ जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन बी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ देखना है कि जो हमारे पास मिनिमम लेंथ दी गई है और उसका डबल करना है, और हमें क्या करना है, जो इनका डिफरेंस है उस डिफरेंस से हमें देखना है कि कितने टाइम वो हमारे पास स्मॉलेस्ट है। जैसे कि हमारे पास 3.5 से हमें क्या करना, माइनस 1-1 की 3 स्टिक है, और इसे 3.25 से जब माइनस करेंगे तो आपके पास 0.25 ईजिली आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, कौन से सीक्वेंस में, 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32। हमें बताना है कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर जो सीक्वेंस में आ रहा है वो कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको देखना है कि जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उन नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम 14 और 18 के बीच का डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास 4 है, और 18 और 20 के बीच का हमारे पास 2 है, और 20 और 24 के बीच का हमारे पास 4 है, और हमारे पास 24 और 30 के बीच का डिफरेंस हमारे पास 6 है, और 30 और 32 के बीच का डिफरेंस हमारे पास है। अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पहले 4, फिर 2, फिर 4, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे पहले 4 का डिफरेंस था, फिर 2 का था, फिर 4 का था, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 का है, फिर 2 का है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास 6 का डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, यानी कि 32 में हमारे पास 6 प्लस हो जाएगा, जो हमारे पास होता है 38। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि इन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, अक्सर यूपीएससी जो सी सेट का पेपर होता है वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रिक वगैरह चाहिए होती हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन पेजेस टर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर द नंबर इन द यूजुअली मैटर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेज एज वन। कोई भी एक हमारे पास बुकलेट दिए गए हैं उसके जो पेज स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास बुकलेट जो होते हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं फर्स्ट पेज 1 से। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेज इज, जब हम उन पेज का सम करते हैं तो रिमेनिंग पेज कितने हैं हमारे पास, 195। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है कि जो हमारे पास टर्न पेजेस हैं उसमें हमें करना है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन में हमारे पास पेजेस बनते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन ए बी सी एंड डी, हमें बताना है कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इनमें से कौन से इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो हम पहले, अगर आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में एक सीक्वेंस किया होगा, जैसे कि 1+2+3 up to so on n नंबर तक आपने किसी चीज का सम फाइंड करने के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो इस तरह के जो सम इक्वल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1/2 के इक्वल होता है, जो ये हमारे पास सम होता है। तो n यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं और हमारे पास हमें देखना है कि कौन से नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो हमारे पास जो भी हम n की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद जो इक्वल आएगा वो हमारे पास 195 के ग्रेटर देन होना चाहिए, कि ना कि से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1/2 है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो अगर हम यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम n की जगह 20 पुट कर लेते हैं, चलिए हम n की जगह 20 पुट कर लेते हैं, तो n की जगह 20 पुट करने से हमारे पास n 20 और यहाँ पे n प्लस 20 मतलब 20 प्लस 1 और अपॉन में 2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 20 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 21 और यहाँ पे हमारे पास अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से हम यहाँ पे
कैंसिल कर देते हैं 20 को, तो यहाँ पास हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हम जब 21 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 210 हमारे पास आ गया है जब हम जो पुट करते हैं n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू 20 पुट करने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 210। अब हमें चेक करना है कि ये इससे ग्रेटर देन तो है, पर हमें n की जगह अब 19 पुट करके चेक करना है कि अगर जब हम 19 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम 19 यहाँ पुट करते हैं तो n हमारे पास 19 आ जाएगा, और यहाँ पे n प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, 19 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास 19 मल्टीप्लाई एन की जगह हमें यहाँ पे पुट करना है 19 प्लस 1 होता है हमारे पास 20, और अपॉन में कितना रहेगा 2। 2 से यहाँ पे 20 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 10। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 19 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है हमारे पास, 190। जब हम 19 n इक्वल टू 19 पुट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 119 हमारे पास क्या है, इससे छोटा है 195 से, जो हमारे पास यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन बनेगा n 20 के साथ, यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन बनेगा वो है हमारे पास 210। अब हमारे पास जो 210 है उससे हमें क्या करना है, 195 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 15, जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास 15 आएगा। अब हमें इसी क्वेश्चन में देखना है कि जो हमारे पास 15 है उसका कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है। जब हम 5 प्लस 6 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास होता है 11, 7 प्लस 8 होता है हमारे पास 15, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है। चलिए नीचे चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 10 हमारे पास 19, और 11 प्लस 12 हमारे पास होता है 23। जो हमारे पास 15 जो रिमेनिंग बच रहा है वह हमारे पास ऑप्शन बी में बच रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन बी 7.8 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरह के फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैव द सम मिसिंग लेटर। हमारे पास यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिया गया है, उसमें से कुछ लेटर जो मिसिंग है उसे हमें पूरा करना है, मिसिंग लेटर को, जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम इस जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, ए बी, और यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे हमारे पास बी स्पेस बी सी। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ए बी मतलब ये एक पेयर, एक यहाँ पे दूसरा पेयर, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी एक पेयर आएगा, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास ए आएगा। तो ए कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, पहले ऑप्शन में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में भी ए है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हमारा ये कॉम्बिनेशन पूरा हो गया है तीन पेयर का। अब हमारे पास यहाँ जो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे सी पहले से दिया गया है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास सी आएगा, तो हम यहाँ पे पुट सी कर लेते हैं। तो हमारे पास सी कौन से ऑप्शन में है, वह हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्शन सी बच जाता है उसमें हमारे पास सी है, तो हम यहाँ पे अब सी पुट कर देते हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया। अगर यहाँ पे ध्यान से कि एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, अगर हमें एक पेयर और बनाना है तो एक सी हमारे पास यहाँ पे और चाहिए, तो नेक्स्ट हमारे पास सी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे बन जाता है, तो लास्ट में जाके हमारे पास ई यहाँ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन सी होगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन देखना है आपको, यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे बना ए बी का, एक पेयर यहाँ पे बन गया आपका बी का, जब ए यहाँ पुट करोगे तो तीसरा पेयर बन जाएगा, और जब यहाँ पे आप सी पुट करोगे एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर पांच पेयर और ई डी के यहाँ पे लास्ट में दो पेयर बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर दिया है। आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेगी।